नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय व्लॉग्स के नए वीडियो में। और आपको एक डूड दिख रहा होगा जो गाड़ी में बैठ रहा है। Hey dude, what's up dude? तो आशु भैया, आज के ब्लॉग का क्या हिसाब किताब? अरे भैया टाटा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हैरियर आ गए। नई हैरियर दिखा के लाते हैं आपको। आशु भैया ने एक यामाहा वाली हमारी जो बाइक है उसकी सर्विस करवा दी है, कल होके आ गई है, उसका भी ब्लॉग चलेगा, है ना। तो टाटा हैरियर देखने जा रहे हैं। हमारे राम भाई हैं टाटा वाले जो हैं, उन्होंने कहा आओ और देखो और बताओ कैसी है, कैसी लगी गाड़ी। तो जी टाटा शोरूम में मिलते हैं सीधे ताबड़ तोड़। अच्छा भैया, क्या हो गया आपको? कैसे ढीले ढाले से क्यों लग रहे हो? शड़ाए पड़े एकदम शड़ाए हो रखा है भाई। दोनों भाई इस टाइम रिटायर्ड हर्ट चल रहे हैं, हालत खराब है, बुखार जुकाम खांसी। अच्छा वो में तो दिखाओ जो चढ़ी थी, हटा दी? नहीं अच्छा, मैं कैसे हटा दूंगा, ये देखो दोस्तों शाम को फिर चढ़ेगी। ये एक मेरे अंदर छेद कर दिया गया ताकि जिससे सप्लाई होती रहे। डॉक्टर की कही थी मैं इसे प्लम्बर के पास ले गया। अच्छा वो प्लम्बर था? प्लम्बर है। तो डॉक्टर के कपड़े क्यों पहने थे? वो साफ रहना चाहता, वो मल्टी टैलेंटेड है। कौन जाने शाम को वो डॉक्टर है, दिन में प्लम्बर है। मैं दिन में ले गया था। अच्छा आज मैं शाम को जाऊंगा। नहीं अब दोपहर में वो मोची बनेगा। अच्छा दोपहर में नहीं जाएंगे, टाइट कर देगा। चलो जी टाटा के शोरूम पे मिलते हैं। आशु भैया बहुत घूम रहे हैं आज भाई, दो तीन दिन से मजे ले रहे हैं। मजे ले रहा हूँ गाड़ी में तेल लगवा के, इतनी गाड़ी घिस रहे हैं भाई। मतलब इनको इनका सपना था कि गाड़ी चलाए, पूरा हो रहा है। और इनका सपना था कि गाड़ियां हो, तो गाड़ियां हैं, गाड़ियां चला रहे हैं। गाड़ी थोड़ी सी काम है भाई। देखो ऐसा है, किसी के पास पैसा हो थोड़ा बहुत हमें दे दो। हाँ हमें बिल्कुल, अक्षय व्लॉग्स में डाल दो, हम देख लेंगे। गाड़ियां आशु भैया थोड़ी सी कम है। अगर आप हमें बड़ी महंगी ऊंची गाड़ियां चलाते हुए देखना चाहते हैं तो आप पैसा डालें। हाँ, पैसा हमें दे दो भैया, दे दो अपने पास, किसी के पास हो तो। चलो जी, क्योंकि होता है कोई देता है, जिसले होता है सबके पास है, देता कोई नहीं है। एक मोटा सो रहा है कुंडली मार के पैसों पे। अरे मोटा सो रहा है अभी तो? हाँ भैया 6 बजे जगेगा, अजगर है, अजगर है। चलो जी मिलते हैं हम टाटा के शोरूम पे। ओह माय गॉड, अरे हॉर्न दे रहा हूँ जी। सामने अगर आप देख रहे हो गोल्डन ग्रीन है, गोल्डन तो तैया कलर है भैया, पिट्टों जैसा कलर है। गाड़ियाँ हो रही है डिलीवरी भैया, टाटा टाटा के दिन बदल गए भैया। हाजू भैया जब से तुमने टाटा लिए है आज भैया तुम्हारे साथ हल्क भी आया। हाँ इसे हैरियर चाहिए, नहीं ग्रीन वाली। नाइस यार, इट्स अ नाइस कार। बुलाओ। तो जी ये गाड़ी टाटा हैरियर 2024 मॉडल, एक बार आप थोड़े से सिनेमैटिक्स देख लो फिर उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ जी, तो भाई साहब, तो भाई ये नई टाटा हैरियर आ गया। एक सेकंड, चलो नई टाटा हैरियर 2023 लुक्स में तो मॉडल अच्छी लग रही है ना। तो जो हमारे पास मॉडल है उसमें देखा हो ना डॉट सीरीज, राइट, उसमें पूरा एक पैटर्न है, तो एक ये नई चीज ऐड करी है। वैसे तो गाड़ी पूरी इन्होंने नई बनाई है, बट आपको फीचर्स बताते हैं। फीचर्स क्या मतलब, एक्सटीरियर बताते हैं, जो चीज अपडेट हुई है। हाँ तो DRLs नई मिल जाती है, उसके साथ पूरी की पूरी एक लाइट दी है, ये भी जलती है जब गाड़ी ऑन होती है, बट वन टाइम है और ऑफ होगी। और हाँ लाइट और बाय लाइट भी बोलते हैं। अच्छा हाँ, उसके बाद ये ग्लॉसी ग्रिल कर दिया है, हमारा वाला ग्लॉसी नहीं था। उसके अलावा इसमें एक क्रोम फिनिश दिया है, है शुभिया? हाँ ये क्रोम फिनिश दिया, टाटा का बैकिंग और फ्रंट कैमरा भी है, तो 360 दिया है ना। हाँ पार्किंग सेंसर के लिए भी दे रखा है, राइट। ये नीचे ये स्किड प्लेट बड़ी सही सी लग रही है, स्किड प्लेट अगर आप देखोगे तो नीचे तक काफी जा रही है। उसका फायदा भी ये है कि मेरे ख्याल से आप हाँ, और ये कैमरे वो हैं सेंसर्स, ये पार्किंग सेंसर्स है दोनों। उसके अलावा दोनों ग्रिल क्रोम की चलती है, ये हेडलाइट पे आ जाते हैं, ये फुली LED है, HD लाइट जो आती है ना जैसे हाई एंड सेगमेंट में आते हैं। एक फॉग लैंप है, एक कॉर्निंग लाइट है। अच्छा एक कॉर्नरिंग और एक फॉग लैंप है,
और ये है इसकी एयर, एक तरीके से देखो अगर आप देखोगे तो पूरा पार हाथ आशु भैया का दिख रहा है, इसका मतलब वो है कि एरोडायनामिक अच्छे होने के लिए ताकि गाड़ी और भागे। तो ये जो अगर फ्रंट आप देखोगे इन्होंने पूरा नया करा है, पहले हैरियर में ऐसा नहीं था, है ना? नॉर्मल एक लाइट यहाँ थी, डीआरएल यहाँ था, राइट, कुछ नहीं था नीचे, एक फॉर्मेट थी, राइट। दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसके, अब आ जाते हैं इसके अलॉय व्हील्स पे और टायर्स पे, जो कंस्ट्रक्शन है, हाँ, डिजाइन वो बड़ा प्यारा लगा। अगर किसी ने देखो, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन ये देखे जाए ना, एक दो तीन चार इस तरीके के डिफेंडर में आते हैं। ओके, कंपैरिजन नहीं कर रहा, हाँ, बट महंगी गाड़ी है, हाँ, लेकिन देखो फिर इसमें उसी से तो इंस्पायर भी होगी ना थोड़ी बहुत, पेडिग्री वही है, राइट। तो देखो इस तरीके के हैं, अगर किसी ने देखे हो, उसके सिल्वर कलर के आते हैं, राइट, तो ये चीज है। और एरोडायनामिक्स के लिए ये भी दिया है, राइट, तो ताकि थोड़ा गाड़ी की परफॉर्मेंस और अच्छी हो। डिस्ब्रेक आगे पीछे दोनों में, डिस्ब्रेक बहुत बड़ा दिया है इस बार, अगर आप देखोगे पहले से काफी बड़ा लग रहा है मुझे। और ये व्हील मेरे ख्याल से कितने 18 इंच का है आशीष, अगर आप देखोगे तो इसमें 235/60R18 इंच का अलॉय है स्टैंडर्ड, पहले सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एडिशन में आता था, उसके बाद आप हैरियर की बैजिंग मिल जाती है आपको, यही एक कलर आया है जो टॉप वेरिएंट है, और ये आपको मिरर पे साइड मिरर्स ओवीआरएम्स, उसके साथ ये फिर से 360 डिग्री के लिए यहाँ पे भी कैमरा दिया, ताकि लेन कीपिंग असिस्ट, राइट, वो फीचर है जो एडास के साथ काम करेंगे, कोई गाड़ी आ रही है तो वो आपको दिखाएगा, राइट। अगर आप देखोगे इसके अंदर सेंसर्स है, तो अगर जो स्पॉट हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट जो हो जाता है, और ये भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ दिया, यहाँ पे भी दे दिया और वहाँ पे भी है, दोनों पुरानी में भी था, हमारे टॉप वेरिएंट्स में था। डिक्की बंद कर दीजिए आशु, दोबारा खोल के दिखाएंगे। सेम आपको 18 इंच का अलॉय पीछे मिल जाता है, सेम आपको 5 स्पोक व्हील है विच इंक्लूड्स दिस, लेकिन ये अगर आप देखोगे ये फाइबर है आशु, है ना? नहीं, एल्यूमिनियम है, हाँ, एल्यूमिनियम है, नहीं ये पार्ट है, ये देखो ये हल्का है, ये वाला है, राइट, ये जो बिल्ड है ना शायद ये मेरे को फाइबर लग रहा है, ये तो पूरा का पूरा एल्यूमिनियम है, ये देख रहे हो, हाँ, अंतर है, ये फाइबर या प्लास्टिक है, ऐसा है, खालीपन को भरने के लिए, हाँ, जो भी है, राइट, एल्यूमिनियम नहीं है, फाइबर ही लग रहा है। उसके अलावा मैं अंदर का हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले आपको एक्सटीरियर दिखाते हैं। आपको एक नई रूफ रेल दे दी गई है हैरियर में भी, जो पहले नहीं आती थी, यहाँ पे से हैरियर की बैजिंग हटा दी गई है, यहाँ पे पहले हैरियर की बैजिंग आती थी, हमारी वाली में आती थी, उसमें अगर आप देखोगे फिर से सेम लायन फैमिली अभी भी रखी गई है, उसको नहीं छोड़ा गया, शार्क फिन एंटीना आपको मिल ही जाता है, तो बाहर, हाँ एग्जैक्टली, तो कुछ लोग जो करके दिखा रहे थे कि नहीं होता, अच्छा चाबी जेब में रख लीजिए, तो जी वो सेंसर है, अगर आपको अनलॉक करनी है गाड़ी, ऐसे नहीं कि कहीं भी कर लो, सेंसिबल डिसीजन वही है कि आप सेंसर जब वहां लगाए तो वहां पे एक बार पैर करोगे, मैं दोबारा अगर, हाँ अगर आप देखोगे एक बार और ट्राई करके आपको दिखाते हैं, ताकि लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सेंसर काम नहीं कर रहा, और ये वो चाबी रख ली जेब में, और यहाँ पे एक बार पैर से चला देंगे, एक बार में कट करके खुल गई गाड़ी, एक बार में खुल रही है भाई, तो ऐसा नहीं है जो लोग वीडियो बना रहे कि भैया नहीं खुल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं खुल रही है, तो इसको बंद करके अगर दिखाते हैं, तो अब अगर आपके हाथ में सामान है या कुछ है तो आप ऐसे मत जाइए। हैरियर की जो बैजिंग है उसमें ये चेंज किया है उन्होंने, ए के बीच में से वो हटा दिया है उन्होंने, हाँ राइट। तो फिलहाल और आगे आ जाओ अशुभिया साइड में, सेम ये नई टेल आई है, ये अभी लाइट जला के अभी हम देखेंगे कि क्या है, हाँ ये रिफ्लेक्टर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, लाइट टेल लाइट, हाँ इंडिकेटर ये है, ये हाँ देख लेते हैं, ओ राइस नाइस, तो ये जो है वो डिजाइनिंग के लिए सेम एरोडायनामिक के लिए गैप दिया और ये रिफ्लेक्टर्स दे दिया, फ्यूल टैंक सेम गोज विद फ्यूल टैंक, अनलॉक करो आशीष अपना, डीजल अभी भी डीजल आता है, अगले साल स्टार्टिंग में बोल रहे हैं पेट्रोल आ रही है, और इसमें डीएफ फिर से देख लेते हैं एक बार, पैर से खोलो ना, हाँ और खेल बनाओ इसका थोड़ा सा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो जी इसमें भी सेम डीएफ पहले की तरह ही दिया होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है सेम वही है, सबसे बेस्ट चीज़ लगती है वो इस चीज़ की, स्टेपनी यहाँ से हटा के वही नीचे रखी है, और टूल किट आपकी वो उसमें स्पेस गैप में वो जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो टूल किट हो गई है, ये नेम सेम नीचे स्टेपनी दी है पहले की तरह, एग्जॉस्ट थोड़ा सा बदला है इन्होंने अगर आप देखें, और ये गाड़ी बंद कर देते हैं आशु भैया, अब रुक जाओ आशु भैया मैं लॉक भी करूँगा आप टेल लाइट, और देखिए एक बार क्या क्लासिक लगती है यार, बहुत सही बनाई है ये गाड़ी, लॉक हो गई, बाय बाय कर रही है, ख़त्म, अब ये अनलॉक हो रही है, वेलकम कर रही है, क्या बात है। तो जी
यही कहानी है फिलहाल एक्सटीरियर की, सेम चीज जो आपको उधर दिखा दिया वो इधर है। अब इंटीरियर में बैठते हैं आशु भैया, अब अनलॉक करो और एक बार अनलॉक करके फ्रंट का और दिखाते हैं आपको। क्या बात है, स्माइल कर रही है जी। शुरू करते हैं फिर से, कर दी गाड़ी लॉक, गाड़ी लॉक हो चुकी है, चाबी है रही, चाबी आशु मैंने अंदर रख दी है। तो जैसे वो सेंसर मिलता है तो अगर आप इसको दबाओगे गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गई, स्टैंडर्ड फीचर है आजकल। और आजकल देख रहे हैं आप कुर्सी अपने आप पीछे जा रही है, तो ये पहले लोग बोलते थे एक्सयूवी में आता है ये है वो है, अब सब हो गया। और शायद मेमोरी फंक्शन भी है, तीन बंदे अपने हिसाब से गाड़ी सेट कर सकते हैं गद्दी। चारों आपको टॉप वेरिएंट तो वो मिल जाते हैं शीशे के मिरर वाले, अप डाउन स्टीयरिंग भी आशु भैया सेम आती है अप डाउन वाली, दोनों दोनों है देखो, आगे पीछे आप कर सकते हो अपनी पोजीशन के और कन्वीनियंस के हिसाब से। इसमें भी सेम चीज रखी गई है, अगर आपको मिरर पे हवा डालनी है तो, है ना, इस साइड मिरर्स अगर आपको। और एक और सबसे अच्छी चीज पैडल शिफ्टर भी आ गए, अगर आप देखो मैनुअल चलाने का मन है, ये नहीं चलाना तो पैडल शिफ्टर है, हाथों से गियर बदल लो, ये डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट है सर। पीछे चले आशु भैया, अरे पीछे। और ये ऊपर सनरूफ आ गई है, पैसेंजर एयर बैग लिखे हुए हैं अगर आप देखोगे, ऑफ ऑन अगर आप देखोगे, ये आपकी एलईडीज हैं दोनों की दोनों, अगर दोनों, और अगर ये ऑफ ऑन, और ये बीच में आपका सेंसर के बेस पे चलता है। अगर आप इसको आशु भैया हटाएंगे जरा, नहीं अपनी तरफ करो ना, हाँ। तो जी वार्निंग सनरूफ है, अगेन मेरे ख्याल से सेगमेंट में सबसे तगड़ी सनरूफ है, पैनोरामिक है जो हम चला रहे हैं करीबन 3 साल से उसी के साथ ये अगर आपको, ये मेरे ख्याल से कॉल है और ये SOS है। SOS तो है, उसका पता नहीं है रिसीवर है या फिर कुछ और है। ये जो जगह है खाली है, इसका कोई काम नहीं है। आपका अगर कोई हाई बीम मार रहा है, लो बीम मार रहा है तो बचा लेगी आपको। चले पीछे आशु भैया एक बार, और तुम्हारी इसमें भी आपको मिरर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक है, थोड़ा लाइट जलेगी अभी, और उसमें इसमें नहीं मिलता शीशा। और आशु भैया आप अपनी साइड की सीट देखो, अगर वो पावर हमारे में अलर्ट नहीं हो तो, हाँ मेरे वाले में भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है और वेंटिलेटेड सीट्स भी आ गई हैं। तो अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये वेंटिलेटेड सीट है, यानी कि जो सीट के अंदर ठंडाई रहेगी अगर आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाना है। 3 लेवल की है, 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 टॉप रहेगा ठंडा और फिर कम और फिर और कम। चलिए इसके अंदर ये नया दे दिया है, जैसे ह्यूंडई और क्रेटा वगैरह में आता था, मैं इसको बुरखा बुलाता हूँ, इन्होंने बुरखा इसमें भी लगा दिया। शुक्रिया आशु भैया हमारे रियर सीट पे बैठ गए हैं, जिनकी हाइट तकरीबन 5'10" 5'9" 10 के करीब है, और बहुत ज़्यादा गैप है सर पे पीछे, बहुत ज़्यादा। और आशु भैया के पास बुरखा भी है, LED वहाँ लगी गई है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे पूरा ना डिया, वो क्या कहते हैं, एमिड लाइटिंग का फीचर है ऊपर छत पे भी, हाँ पूरे में। और उसके अलावा आशु भैया ने बुरखा लगा दिया, आई होप इस पर पुलिस ना पकड़े, मैंने हैरियर पे लगाए थे, पुलिस ने 500 रुपए का चालान काट दिया था। ये भी अच्छा, सेम गोज विद LED है, ये रही सेम गोज विद दोनों तरफ ब्लैक इंटीरियर है, तो थोड़ा लाइट है इस पे, एक इसमें हुक भी दिया है, इस साइड भी एक हुक दिया गया है, ठीक है। और तीनों की सीट बेल्ट है, अगर आपको बैठना है तो ये तीसरी सीट लगाई है। इस गाड़ी के अंदर हैरियर के अंदर पावर का हिसाब किताब पीछे सिर्फ यही दिया गया है, USB A और टाइप सी, और ये एक फीचर और, हाँ ये एक नई चीज आई है कुशनिंग, अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो तो सो सकते हैं, तो आप आराम से तकिया बना लो, जैसे आशीष भैया सो जाते हैं, जैसे आशीष भैया सो जाते हैं क्योंकि वो ड्राइविंग करते तो सो जाते हैं। और ये आपका मिल जाता है कप होल्डर, हैंड सपोर्ट और 2 कप होल्डर, अगर चिल मार्केट LRDB पीछे नहीं है तो आपको फिर से वही मिरर्स मिलेंगे अप डाउन वाले, एक ही बटन से, उन्होंने चाइल्ड लॉक कर रखा तो शायद हो नहीं पा रहा है। और इधर आप अपना फोन वगैरह रख सकते हो इस पे अपने, हाँ वो होगा ना बटन, ये रहा दबा, हाँ तो अच्छा ये कोई कर गया है ये वो तो गिर जाती है, मतलब पूरी सीट, हाँ 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 सेम पुरानी हैरियर की तरह आपकी पूरी, हाँ मेरे ख्याल से, हाँ सेम स्प्लिट हो जाती है, सॉरी। तो ऐसे ही अगर आपको कर रही है तो आप पीछे आराम से स्प्लिट कर सकते हो। कलर मुझे पर्सनली, अगर आप एक और छोटी सी डिटेल्स है, ये छोटी छोटी लाइटें चल रही हैं फिर वो एक बन रही है, ये बहुत अलग यूनिक सा फीचर है,
ये कुछ कुछ जेड सा लगता है, और आपको बूट स्पेस, बूट स्पेस दिखाते हैं एक बार। चाबी लानी पड़ेगी ना? चाबी लानी पड़ेगी नहीं वैसे वो चाबी वाला हाँ यहाँ पे है वैसे बटन, तो अंदर जैसे हमारा पुराना हैरियर का होता था सेम यहाँ पे कैमरा है, ताकि यू कैन क्या हो गया अपने आप लॉक कर दिया तुमने? नहीं बटन दबा अपने आप चली जाएगी। हाँ देख लॉक हो गया। ओके हाँ तभी उसको झटका लगा तो वो वापस रुक गए। यहाँ पे भी कुछ नया नहीं है, सेम चीज़ है, वो आपका वाइजर का पानी उसमें से आ जाता है नॉर्मल। बिल्ड क्वालिटी सेम रखी है, मैं तो बोलूँगा टॉप नॉच है। ये आपका नॉर्मल डिक्की का स्पेस हो गया, ये DEF हो गया आपका, वो आपका टूल बॉक्स को एक्स्ट्रा देते हैं आजकल मेरे ख्याल से। पीछे भी स्पीकर्स दिए हैं, एक साइड डिक्की में, इस साइड स्पेस है ताकि आप सामान वामान रख सको। स्टेपनी मैंने आपको दिखाई दी, नीचे स्टेपनी है, इसको बंद कर देते हैं। तो जी ये हैं इतने सारे फीचर इस गाड़ी में दिए हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी का सेलिब्रेटिंग 50 लाख कार, 50 लाख गाड़ियाँ बेच चुका है टाटा इंडिया में। तो जी ये कुछ ऐसी गाड़ी अगर आप देखो तो जी कॉफ़ी आ चुकी है। आशु भैया कॉफ़ी भैया ले रहे कॉफ़ी के मजे। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट कर दी है, गाड़ी स्टार्ट है, एसी चल रहा है, वेंट चल रहे हैं अंदर। ये भी आशु पीछे वाली भी वेंटिलेटेड है ना? हाँ नहीं नहीं, नहीं? ये नहीं है, अगली दो है। सफारी में कैप्टन सीट पे आती है। अच्छा तो मैंने अभी ऑटो होल्ड और पार्किंग का पूछा, तो पार्किंग तो आपके हैंड ब्रेक का काम करता है, ठीक है। ऑटो होल्ड का काम ये है, जैसे मान लो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है और मैं ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और ट्रैफिक में गाड़ी मुझे ब्रेक नहीं दबाने बार बार। अच्छा अगर आपकी ड्राइवर सीट बेल्ट लगी हुई है तो अपने आप ये हैंड ब्रेक, छोटे हैंड ब्रेक का काम करेगी। अच्छा हाँ, तो जैसे ही आप एक्सेलेटर दोगे तो ऑटो होल्ड से हट जाएगी। अच्छा और जैसे ही आप गाड़ी आइडल होगी तो ऑटो होल्ड पे लग जाएगी, पीछे नहीं जाएगी, जैसे नॉर्मल गाड़ी जाती है ना पीछे, वो नहीं जाएगी, तो आपको हैंड ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है बार बार। तो ये फीचर मुझे बताएंगे। टू टोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्राइवर के लिए अलग सेट कर सकता है, राइट साइड वाला ड्राइवर के लिए ठंडा गरम और लेफ्ट वाला को ड्राइवर के लिए ठंडा गरम, उसको अपना एक हाँ जी टेम्परेचर चाहिए जैसे हमारी मम्मी को कम चाहिए। कैसे कैसे कर लेते हो जीप कंपस में आता था ये फीचर? अरे जीप कंपस हटाओ यार। अगर भाई दोस्तों भाई दोस्तों सुनो एक और बात, गाड़ी का इंजन ऑन है, आप लोगों को क्या आवाज सुनाई दे रही है प्लीज बताएं कमेंट में, है ना शुभ भैया? बताओ बताओ। हाँ मुझे तो नहीं सुनाई दे रही है, अभी तो कान लगाओगे तो भाई तो फिर तो अब अपने अपनी सांस भी सुनाई देगी कि सांस ले रहे हो, है ना? तो भाई इंजन की साउंड कम की गई है, हम आपको बोनेट भी दिखाएंगे इसका। आशु भैया को ठंड लगने लगी क्योंकि आशु भैया की तबीयत थोड़ी सी नाजुक है, आशीष भैया की तबीयत नासाज हो रही है, वेंटिलेटेड सीट ऑन कर दी मैंने क्योंकि जाएंगे पिछवाड़े। तो जी दोस्तों आज का व्लॉग हमारा यही होगा, है ना आशु भैया? अभी वो और दिखाएंगे ना हम आपको हाँ वो एक और दिखाते हैं। जी आशु भैया एक ज्यादा कर जादू कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं। वायरलेस चार्जिंग आपको दिखाएंगे, ये देखिए चार्जिंग पकड़ ली। तो जी देखो हाँ मुझे स्पेस मेरे को भी और लगी है कि कहाँ आपको फोन रखना पड़ रहा है, थोड़ा सा होता तो बढ़िया रहता क्योंकि ये इस चीज की वजह से लगी है मुझे। प्राइसिंग हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, टॉप वेरिएंट की, ये टॉप है ऑटोमेटिक का। हाँ तो जी इसमें एडिशन ऐसे आए, एडवेंचर एडिशन, प्योर एडिशन, फायर, क्योंकि ये सबसे बड़ी स्क्रीन है तो टॉप है, फायर एडिशन, फायर एडिशन आए हैं। तो ये हैरियर ही है, सफारी जब आएगी तो आपके पास सफारी का भी व्लॉग आ जाएगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल अपडेट आएंगे, बिल्कुल फायर है, फायर फायर है। मैं आईफोन 12 प्रो मैक्स पेयरिंग हो रहा है, माय गॉडनेस, एक्सेप्ट पास की कर दो आशु भैया, 8868894। अरे वो सेटिंग से हटा, तू नजर मेरे ते मार बिलो अखियां मिला के फिर आड़ी उत्ते आया कूड़े जेल विचो सदा तेरे घर वाल आया तुरन लगे मैं तेनू कॉल कर दिया तू मैनू फिर ना कही मैं तेनू nice. तेनू के नहीं आया तार तू nice. जो बन के तेरा यार लैसे लैसा तेनू सत समुद्र पार तोहफे विच दे के हार तेनू खूब करावे गाड़ी 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 ले चल गाड़ी ले चल भाई। nice system यार, nice car, overall सा nice car। ये देखो
बंद कर दो, पावर का बटन दबा दो, रुक जा मैं एक मिनट। और ये ऑटोमेटिक है तो पैडल और एक ब्रेक और एक एक्सेलरेटर है ना शुभ भैया? हाँ। क्लच नहीं है? क्लच नहीं होती नहीं शुभ भैया, हो गया चलो चलो आ जाओ शुभ भैया। नया इंजन है, इंजन तो ओ बोला उसने कुछ बोर्ड में, आशू भैया यहाँ से खोल के दिखाएंगे, आशू भैया खोल पाएंगे, खोल के दिखाएंगे, सेम हैरियर की तरह है, आशू भैया आज कर ले। तो जी सेम क्रायोटेक 170 BHP ले लो, ले लो ले लो ले लो 170 BHP ले लो, 350 का टॉर्क ले लो, फिएट का इंजन ले लो, टाटा के साथ ले लो। भाई साहब इस इंजन ने टाटा को कहाँ से कहाँ ले आई, इंजन की एक कमी थी 3-4 साल पहले। और भैया जिसको अगर लेनी है डीजल है, माइलेज बढ़िया देती है आशू भैया, 17-18 का दे देती है, और रिफाइन ही करा होगा इन लोगों ने पहले से, पुरानी गाड़ी दे रही थी 17-18 का, ये तो शायद मेरे ख्याल से 16-17 ही है, 17-18 दे रही होगी। भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, अभी भी हाँ अभी भी बम्पर इसका भारी है ना आशू भाई, बोनट फाइव स्टार रेटिंग इसकी और सफारी दोनों की आ गया, क्या बात है जी आशू भैया। जी भैया हो गया? हाँ भैया। हाउ वाज इट? It was good. तो जी टेस्ट राइड तो अभी नहीं मिली है क्योंकि गाड़ी नहीं है। हाँ अभी टेस्ट राइड व्हीकल आया नहीं है इनका, तो जैसे ही वो आएगा उसकी हम टेस्ट राइड भी करेंगे और टेस्ट राइड का भी रिव्यू बना देंगे, परंतु तब तक ही निकाल दें। हाँ यही सोच रहा हूँ आखिरी में। तब तक के लिए आशु भैया आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा लगा हैरियर? नहीं गाड़ी बहुत बढ़िया बनाई है। हाँ। और जो फीचर में कमी थी ना कि एक इसकी स्टेयरिंग में दिक्कत थी, जैसे आशीष भैया भी कहते हैं आवाज आती है, तो इलेक्ट्रॉन फीचर रिच है गाड़ी, गाड़ी बहुत भाई बहुत अलग अपने सेगमेंट में बहुत ऊपर चली गई। प्राइसिंग भी ऑब्वियसली बड़ी है, तो जो हमने ये वाला वेरिएंट देखा था ये ऑटोमेटिक है, तो इसका तकरीबन जो प्राइस है वो 28 से 28.5 लाख रुपए है। मैनुअल हाँ। आप इसमें 1.25 लाख घटा लीजिए यानी कि 27 लाख रुपए। हाँ। तो हमारे पास जो है वो मैनुअल टॉप वेरिएंट है कैमो, जो हमने 22 लाख का लिया था और आज वही गाड़ी 27 लाख की है, यानी कि 5 से 6 लाख रुपए बढ़ चुके हैं प्रोडक्ट के ऊपर पिछले 3 साल में। कौन कहता है कि भैया गाड़ियों के प्राइस नहीं बढ़ते? अरे भाई बढ़ रहे हैं भैया, तो बुलेट ही देख लो आप। हाँ, कहाँ आती थी बुलेट? आज 2,70,000 की 350 cc आती है, नॉर्मल बुलेट आती है। हाँ इंजन ले लेते हैं, देख सामने देखो बस। तो जी आज का व्लॉग हम यही समाप्त करेंगे नाशु भैया। हाँ भैया, और यही है अपना फीडबैक दीजिएगा, हमने कोशिश करी है जितना ज्यादा हो सकता था वो कवर करने की, बाकी और जो नई गाड़ियां आती जाएंगी हम बनाते जाएंगे, थोड़ा टाइम का दिक्कत रहता ही है आशु भैया, जीवन भी चल रहा है और तबीयत हमारी खराब थी उसके बावजूद हम लोग आए हैं, देखो सिर्फ आप लोगों के देख रहे हो। तो जी तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम जय श्री राम।